कभी सोचा है जब पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बाद भारत ने उरी अटैक किया, उनके आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, तो पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर ये जानना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जिसका नाम है डिटेरेंस, कि कैसे आप दूसरे अपोनेंट को डरा के रखते हैं या उसको कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसे सोचना पड़ता है या एक्शन ना ले ये मेंटेन करते हैं। मतलब किसी इंसान को, किसी स्टेट को डिटर करना है कि नहीं भाई अगर ये करोगे तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं डिटेरेंस के बारे में, इसके की थिंकर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं डिटेरेंस को। डिटेरेंस होता क्या है? डिटेरेंस है कि एक धमकी या यूज ऑफ थ्रेट जिसे बोलते हैं, जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं ताकि जो भी आपका दुश्मन है उसको ये पता लग जाए कि आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने में उसका नुकसान है। मतलब आप उसको कहीं ना कहीं ये दिखा देते हैं कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी तो आपका भारी नुकसान होगा। तो ये कहीं ना कहीं धमकी है, लेकिन डायरेक्ट धमकी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है प्रोसेस। और ये कन्विंस कर देता है जो भी पोटेंशियल एग्रेसर होता है उसको कि जो कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट को से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो डिटेरेंस भारत की तरफ से ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन लिया तो जितना वो फ़ायदा सोच रहा है इस काम को करने का उससे ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में डिटेरेंस ऐसे वर्क करता है। फिर जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ये बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें से एक है बैलेंस ऑफ पावर, सॉफ्ट बैलेंसिंग, बैंड वैगनिंग, वैसी एक डिटेरेंस एक स्ट्रेटजी है जो वर्क करती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं थॉमस सेलिंग, इनका नाम आपको याद रखना है। ये इकोनॉमिक्स और गेम थ्योरिस्ट हैं। गेम थ्योरिस्ट वो होते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड की कोई इंसान कैसे कोई काम करता है नहीं करता, डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो होती है उसमें गेम थ्योरी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे गेम के तौर पे या उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे कोई इंसेंटिव कोई काम करता है तो कैसे कैलकुलेशंस होती हैं उस बेस पे। और उन्होंने डिटेरेंस बताने की कोशिश करी कि जो क्रेडिबल थ्रेट होती है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। मतलब जब भी आप किसी को डिटेरेंस या डिटर करना चाहें या उसको धमकाना चाहें एक लाइन में, तो अगर उसको क्लियरली थ्रेट लगेगा कि हाँ भाई ये नुकसान कर सकता है या उसको क्रेडिबल लगेगा सामने वाला कि नहीं यार अगर ये बोलता है तो करता है तो वैसा लगेगा तब ये इफेक्टिव होगा। और वो बात करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और मैनिपुलेशन, ये दो बात बिल्कुल सही बात बोली कि कैसे ये वर्क करता है कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जब भी किसी को आप डिटर करना चाह रहे हैं तो आपके साइड से कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा करा तो आपको ये भोगना पड़ेगा, ये आपका नुकसान होगा, ये आप जान लो। तो ये बातें जब होती हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। और मैनिपुलेशन के तौर पर तो आपको थॉमस सेलिंग जब याद करेंगे तो आपको गेम थ्योरिस्ट याद रखना है कि गेम थ्योरिस्ट हैं जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसे कैलकुलेशन बेस्ड कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्रेडिबल थ्रेट होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव होगा। फिर और आगे जब मूव करते हैं तो एक और थिंकर है जिनका नाम है बर्नार्ड ब्रूडी, वो जब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी की और वो बात करते हैं कि कैसे हम डिटेरेंस को कोल्ड वार के वक्त में समझ सकते हैं और क्या न्यूक्लियर वेपन होना एक डिटेरेंस के तौर पे काम करता है कि नहीं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बोला था कि मैसिव डिटेरेंस डिस्ट्रक्शन ला सकता है न्यूक्लियर वेपन, इसलिए एक डिटेरेंस के तौर पे इसने काम किया है। और ये कहीं ना कहीं ये फेवर में है कि न्यूक्लियर जो वेपन आया है वो इफेक्टिव रहा है डिटेरेंस क्रिएट करने में, ये बोलते हैं। इनके अगेंस्ट में कॉल सैगन, स्कॉट सैगन भी हैं, उनके आर्ग्यूमेंट हैं, लेकिन बर्नार्ड ब्रूडी का आर्ग्यूमेंट न्यूक्लियर डिटेरेंस के बारे में है और ये बताते हैं कि ये इफेक्टिव रहा है एज ए डिटेरेंस काम करने में। फिर और आगे हम याद करेंगे स्कॉट सैगन का, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एक स्कॉलर हैं जो बात करते हैं चैलेंजेज और लिमिटेशन ऑफ डिटेरेंस के कि डिटेरेंस इतना इफेक्टिव नहीं है खासतौर पर न्यूक्लियर डिटेरेंस और ये फुल प्रूफ नहीं है। पहली बात वो कहने की कोशिश करते हैं कि जब भी दूसरी स्ट्रेटजीज जो होती हैं खासतौर पर बैलेंस ऑफ पावर या बाकी चीज़ें, उसमें क्या होता है मटेरियल टर्म्स में आपको पता होता है कि अगर आपके पास इतनी मिलिट्री है इतनी चीज़ें हैं तो सामने वाला डरेगा कि नहीं डरेगा या सामने वाला एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन डिटेरेंस में कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है और बहुत सारी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे मिस परसेप्शन भी हो सकता है, मिस कैलकुलेशन हो सकता है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन भी हो सकता है। जैसे जब भी आप क्यूबा क्राइसिस देखते हैं 1960 के दौर वाली यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो वो बहुत सारी मिस कैलकुलेशन के बेस पे भी बढ़ती जा रही थी। तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं कि बहुत बार मिस कैलकुलेशन हो सकता है, चीज़ें एकदम गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसलिए ये बात करते हैं कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल चेक्स होने चाहिए ताकि इफेक्टिव डिटेरेंस बना रहे। केवल ये नहीं कि केवल मैनिपुलेट करें वो करें एक दूसरे के बारे में, जैसे बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के अपने डेटा शेयर करते हैं कि आपके पास कितने मिलिट्री वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन कितने हैं, आपस में भी जो कंट्री वॉर में होती हैं या उस तरह से होती हैं वो लोग भी शेयर करते हैं ताकि क्लियरली एक दूसरे को पता रहे। उससे क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस कम रहते हैं, जो
फालतू का वॉर हो सकता है या लड़ाई बहुत आगे बढ़ सकती है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो वो ये बातें करते हैं। फिर और आगे जब हम बात करते हैं, एक और जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं वो हैं रॉबर्ट जर्विस, जिनके बारे में हमने पहले ही बातें करी। वो कहीं ना कहीं रोल ऑफ परसेप्शन के बारे में बातें करते हैं कि बहुत बार ग्राउंड में रियलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सामने वाला देख कैसे रहा है इस बात से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो बोलते हैं कि एक इफेक्टिव डिटरेंस वो होगा जहाँ पे जो लोग परसीव कर रहे हैं वो कितने क्लियर हैं और कितने स्मार्टली वो इंटरप्रेट करते हैं सिग्नल्स को। और ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, डिटरेंस का जो काम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें परसेप्शन इन्वॉल्व है, इसमें दोनों साइड का परसेप्शन इन्वॉल्व है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट डिबेट आता है, न्यूक्लियर डिटरेंस वर्सेस कॉन्वेंशनल डिटरेंस। कॉन्वेंशनल डिटरेंस है मतलब कि जो पुराना तरीका था कि भाई आपके पास मिलिट्री, हमारे पास मिलिट्री है, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, ऐसे वाला डिटरेंस था। न्यूक्लियर वेपन केवल जो न्यूक्लियर स्टेट है उनके बीच में कैसे ऑपरेट होता है कि आपके पास कितना न्यूक्लियर वेपन है। आप अगर एक न्यूक्लियर अटैक करते हैं, सिंपल अटैक करते हैं, जैसे पाकिस्तान बहुत बार थ्रेटन करता है कि हम सिंपल कॉन्वेंशनल वार में भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो इस तरह की जो बातें होती हैं उसके डिबेट को कहीं ना कहीं हम देखने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियर डिटरेंस और कॉन्वेंशनल डिटरेंस में। फिर ये आपको देखना है कि ये कितना क्रेडिबल है, तो कितना कौन बेटर है कौन बेटर नहीं, इसमें सब लोगों के डिबेट हो सकते हैं। कुछ लोग का ये मानना होगा क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के बारे में बहुत ओपेक जानकारी होती है, दूसरी कंट्री शेयर नहीं करती, तो ये रिस्की है इसके बारे में, क्योंकि क्लियर जानकारी नहीं होगी तो सामने वाला उतना अच्छे से डेटर नहीं होगा। कुछ लोग का जस्ट उल्टा मानना है, तो उस तरह से इसको देखना है। फिर जो कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं डिटरेंस में वो आपको देखने हैं कि डिटरेंस कैसे वर्क करता है, कि एक स्टेट है दूसरे स्टेट के पास पावर है, कि वही दोनों इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों में, तब तो ठीक है कि एक डर गया या एक समझ गया कि नहीं मेरा नुकसान है तो वो एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अभी नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत हैं, साइबर डिटरेंस है, तब फिर आप कैसे बिहेव करते हैं कि अभी इतने मल्टीपल एक्टर्स हो गए हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, तब क्या डिटरेंस वर्क करेगा। क्योंकि डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है कि सामने वाले को लग गया कि नुकसान ज़्यादा है तो वो डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन एक सामने वाला नहीं है ना, अभी मल्टीपल सामने वाला है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, बहुत बार हैकर ग्रुप हैं, तो साइबर डिटरेंस में कैसे काम करेगा, सॉफ्ट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन पे कैसे काम करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इस डिटरेंस के कॉन्सेप्ट को। फिर जब हम पर्सपेक्टिव्स में देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कैसे देखते हैं, तो डिटरेंस को कोर स्ट्रेटजी मानता है रियलिस्ट, उनको मानता है कि स्टेट जो भी अग्रेशन है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, और वो क्रेडिबल रिटेलिएशन भी करेगा और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का यूज़ भी करेगा। आइडियलिस्ट कहीं ना कहीं बोलते हैं कि डिटरेंस अकेले काम नहीं करेगा, आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक इफर्ट्स से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से भी, और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी डेवलप करने से, कि यही नहीं है कि केवल डिटरेंस वर्क कर रहा है तो आप बहुत सिक्योर हो गए हैं, आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा एक दूसरी कंट्री पे, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मार्क्सिस्ट का वही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट का जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको इंक्लूड करने के बारे में बात करेगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहीं ना कहीं इसको काफ़ी बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो नॉर्म्स परसेप्शन और थ्रेट्स के बारे में बातें करते हैं। और इस चीज़ को ध्यान देना कि जब भी मटेरियल टर्म्स में बात हो रही है, मिलिट्री टर्म्स में बात हो रही है, तो रियलिस्ट कहीं ना कहीं बेटर एक्सप्लेन करेंगे, जब भी नॉर्म्स पे बात हो रही है, इन चीज़ों पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बेटर एक्सप्लेन करेंगे। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कर्सिव प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे कि कोई कंट्री कितना माहौल बना पाती है अपने खिलाफ। जैसे आप नॉर्थ कोरिया के बारे में देखेंगे, नॉर्थ कोरिया के बारे में जितने भी लोग पढ़ते हैं सुनते हैं उनको लगता है कि यार वो अटैक कर सकता है, तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है कि जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो नैरेटिव्स चलते हैं उनके बीच में आप देखने की कोशिश करें कि कैसे नॉर्थ कोरिया के लेके हम अलग परसेप्शन बनाते हैं, किसी और कंट्री को लेके अलग परसेप्शन बनाते हैं कि वो कैसे न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, कॉन्वेंशनल वेपन यूज कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी बातें डिटरेंस के बारे में थी। आगे और भी वीडियोज़ हैं जो आपको देखने हैं और सबको कनेक्ट करके देखना है, ये हल्के फुल्के वीडियोज़ हैं, और डीप वीडियोज़ आते रहेंगे और डिटेल से जो डिबेट होगी वो आती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं हूं संदीप, और लगातार आप चैनल देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और नए नए वीडियोस जो आपको चाहिए वो आप डिमांड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस टॉपिक पे और बना देंगे तो बेहतर रहेगा, वो सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, बस आप प्रमोट करते रहें, देखते रहें। जय हिंद।